भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने मंगलवार को सर्किट हाउस श्री रामा रेसिडेंसी में प्रेस वार्ता की पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रदेश के 78 लाख बिजली उपभोक्ताओं के 6,414 करोड़ रुपए माफ किए हैं एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण कर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किसानों के 49 लाख फसल क्षति के दावों में से 7.618 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके खातों में जमा की गई है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती की दिशा में भी कार्य हो रहा है। विगत 13 अप्रैल को प्रदेश के 9.5 लाख से ज्यादा किसान बंधुओं को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती को लेकर अपना अनुभव एवं भविष्य बताया। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार, किसान प्रदेश उपाध्यक्ष अवनेन्द्र पटेरिया, प्रदेश मंत्री पदम सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी आदि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए और महंगाई से पड़ने वाले प्रभाव के लिए क्या कर रहे हैं? आज मध्य प्रदेश में चाहे वो 0% ब्याज लाने की बात हो, चाहे बिजली पर सब्सिडी देने की बात हो, चाहे खाद के जो दुगने से ज़्यादा रेट है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मध्य प्रदेश में देने का काम कर रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार देने का काम कर रही है। और उससे भी ज़्यादा हमारी पानी की नीति जो इस प्रकार की बनाई गई है कि आप हर खेत को पानी मिल सके, इसके लिए चाहे हमारी बड़ी बड़ी लिंक परियोजनाओं को ले लो अपने इस क्षेत्र में या पूरे मध्य प्रदेश में ले लो, तो एक बड़ी दूरगामी योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश किसान की न केवल लागत घटा रही बल्कि उसको लाभ ले नवाचार करती हुई जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, तो इसके लिए FPO बनवा कर देश के अंदर 10,000 FPO जिन पर 7,500 करोड़ खर्चा किए जा रहे हैं। इस बार के लॉकडाउन में ऐसा पहली बार हुआ है कि 1,00,000 करोड़ का बजट केवल के खेती किसानी पर दिया गया, ये ऐसा पहली बार हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अधिक बजट देने के बाद। यदि मध्य प्रदेश की टोटल ये 22 से 26 महीनों के बीच जो रियायत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो 1,72,000 करोड़ की सहायता विभिन्न प्रकार की योजना में सीधे सीधे किसानों को देने का काम किया है। और इसलिए मैं हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान पहले से आज पंजाब को भी मात करके नंबर एक पर बन गया है। हमारी फसलों की रियायत को देखते हुए यहाँ बहुत संभावना रोजगार को लेकर हो रही है। कभी भी हमारा जो निर्यात होता था मध्य प्रदेश का माना नहीं जाता था, इस बार खेती के उत्पादों ने रिकॉर्ड बनाकर और निर्यात 20,000 करोड़ से ऊपर का कर दिया। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी नीति और प्रदेश के किसानों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और किसान मोर्चा इस माध्यम से सरकार की नीतियों का लगातार प्रचार प्रसार करेगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7-7 कृषि कर्मणा अवार्ड पाए हैं, ये किसानों की दम पर और अपनी नीतियों पर पाए हैं। मध्य प्रदेश अब बीमारियों नहीं विकसित राज्य बन गया है और खेती किसानी की दम पर आप तो शोध करवा के देख लें, कोई भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं 18% लेकर 23.5% तक की GDP में कहीं पर हिस्सेदारी है खेती किसानी की, तो मेरे मध्य प्रदेश में है, ये गर्व और गौरव की बात है। और ये मैं नहीं कह रहा, अभी इंडिया टुडे का पिछला सर्वे आया है, मोस्ट एमर्जिंग स्टेट इन इंडिया इन एग्रीकल्चर इज मध्य प्रदेश, ये वो कह रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसान को हर चीज में जो छोटी मोटी, क्योंकि मूलतः माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसान है, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता भी किसानों से सीधे जुड़े रहते हैं और किसानों की, गांव की, गरीब की ये सरकार है और उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।